नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट होते चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 30 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। UPSC और अदर स्टेट PC एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का हमारा सेशन। देखिए UPSC 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चल रहा है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन दो नंबर्स पे 8564880530 9696060689 पे कॉल कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे ही हम लोग अवेलेबल हैं, आप लोग ये वाले चैनल्स ज्वाइन करके फ्री में बिल्कुल हैं, ज्वाइन करके सारे हमारे नोटिफिकेशंस और पेड PDF जो है उनकी पिक्स फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, हमारे जो टॉपिक्स जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं जलियांवाला बाग मसाकर, इससे संबंधित क्या न्यूज़ में है वो सारी चीज़ देखेंगे। US ने एक मूल्यांकन किया था, आंकलन किया था कि भैया कहाँ से ये COVID-19 की उत्पत्ति हुई थी इस वायरस की, तो उसकी रिपोर्ट आ गई है, देखेंगे क्या चीज़ें क्या बताया गया है इसमें। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है CSR एक्सपेंडिचर व्यय जो किया जाता है, सरकार का कुछ स्पष्टीकरण आया है, देखेंगे क्या चीज़ें हैं। इंडिया ने पहली जो है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट जो है बना लिया है। ठीक, क्वांटम कंप्यूटर एक नए तरीके कंप्यूटर है, उसके लिए सिमुलेटर मतलब ये होता है कि ऑनलाइन मान लीजिए कहीं पे, जैसे आप समझ लो कि वॉर फील्ड में आप लोग जैसे होता है कि अपना डिफेंस का कुछ कर रहे हो, मिसाइल चलाना है, उसको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है सिमिलर रियल लाइफ सिचुएशन को अगर आप वो कर लेते हो, उसमें आपको लगे कि हाँ रियल लाइफ में चला रहे हो, तो उसको सिमुलेटर बताते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है। और पांचवा है कि आपका चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है, चिल्ड्रंस बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक यूनिसेफ के द्वारा आया है ये। ठीक, देखिए आज जो है लघु उद्योग दिवस है 30 अगस्त को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा दिन 30 अगस्त को। क्या होता है लघु उद्योग दिवस? ठीक, हमारा पहला जो टॉपिक है आज वो है आपका हिस्ट्री से संबंधित, और ये है जलियांवाला बाग मसाकर जो हुआ था, ठीक है ना, जो आपका 13 अप्रैल को आपका 1919 में, तो उससे संबंधित है। अभी मोदी जी ने क्या है वर्चुअली एक जो है इनॉग्रेट किया जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स जो अमृतसर में है, उसको रेनोवेशन हुआ था तो उसको अभी इनॉग्रेट किया इन्होंने वर्चुअली सैटरडे 28 अगस्त को। ठीक, तो इसलिए जलियांवाला बाग हमारा न्यूज़ में है, उसलिए इससे पूछा भी जा सकता क्वेश्चन। तो ये वाला जो मॉन्यूमेंट था जलियांवाला बाग वाला, पहली बार ये ओपन किया गया था राजेंद्र प्रसाद जी से के द्वारा, जो अप्रैल 13, 1961 में किया गया था, पहली बार ओपन जो हुआ था। ठीक, और अभी मतलब ये है कि ये ट्रिब्यूट है कि जो लोग विक्टिम थे, जो पीड़ित थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, मसाकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, तो उससे संबंधित है। और यहाँ पे क्या था कि एक बड़ा लोगों का जो है जत्था लगा हुआ था, लार्ज क्राउड यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, एक सैफुद्दीन किचलू थे और सत्यपाल थे, ये नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, तो इनका अरेस्ट हो गया था। तो इनके अरेस्ट के प्रोटेस्ट में, अगेंस्ट में जो है ये लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पे, और बैसाखी का जो है वो भी था, त्यौहार भी था। ठीक, तो ये जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे एक बंदा था ब्रिटिशर का, इसका नाम था, ब्रिटिश ऑफिसर था, कर्नल रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसने वहाँ पे मासूमों के ऊपर जो है गोलियाँ चलवा दी थी। ठीक है, और एक ही मतलब समझ लो कि अगर ये ऐसा बाग था तो इसमें एंट्रेंस खाली ये था, ठीक, बाकी बाहर निकलने का कोई भी हो नहीं था, और चारों तरफ दीवारें थी ऊँची ऊँची। ठीक, तो चारों तरफ दीवारें ऐसे थी ऊँची तो कोई जा नहीं सकते, ये यहाँ से घुसा बंदा और इसने जो है सबके ऊपर गोलियाँ चलवा दी, करीबन 350 लोग मर गए थे। ठीक है, तो इसके ऊपर कमीशन एक बैठाई गई उस समय कि भैया जलियांवाला बाग जब हो गया इंसिडेंट, तो उसके बाद एक आयोग बैठाया गया, गठन किया गया कि भैया जाँच करो। 6 महीने के बाद जो है जलियांवाला बाग मसाकर के 6 महीने बाद 14 अक्टूबर 1919 में याला आयोग बैठाया गया। ठीक, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उनका अनुमोदन यहाँ पे मिला, अप्रूवल मिला, एडविन मॉन्टेग्यू थे उस समय, और कमेटी बनाई गई। ठीक, कि भैया ये बताओ कि जलियांवाला बाग में इंसिडेंट जो हुआ तो उसमें क्या चीज़ें हुई, ठीक है ना, क्यों डिस्टर्बेंसेज उसके बाद फैल गया बॉम्बे दिल्ली और
पंजाब में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है इन्होंने, पहली कमेटी ने कई सारी मीटिंगें करी, पहली मीटिंग दिल्ली में करी, फिर जो है कई सारे लोगों से एविडेंस साक्ष्य के बारे में सुना देखा, 8 दिन दिल्ली में रहे, 29 दिन लाहौर में रहे, 6 दिन अहमदाबाद और 3 दिन बॉम्बे में रहे। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है और कई जगह जाके इन्होंने साक्ष्य सब इकट्ठा किए, उसके बाद जो है उनको आंकलन किया, मूल्यांकन किया, ठीक, और रिपोर्ट फिर प्रेजेंट करी गई 1920 में 8 मार्च को, ठीक। और दो रिपोर्ट थी, एक तो मेजॉरिटी रिपोर्ट थी और एक माइनॉरिटी रिपोर्ट थी, बहुमत और अल्पसंख्यक रिपोर्ट थी इसमें। और जलियांवाला बाग में हुआ क्या था, जो कि मेजॉरिटी रिपोर्ट में क्या बताया गया, उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी रिपोर्ट ने यह कहा कि इंसिडेंट जो हुए थे आपके अमृतसर के पहले, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में, उसमें वायलेंस हुआ था कई जगहों पर सिटी में उसके बाद, और पुलिस फायरिंग भी हुई थी, इसकी वजह से 10 लोग ख़त्म हो गए थे, ठीक। मिलिट्री भी लगानी पड़ गई थी सिटी में और कई सारे ट्रूप जो थे, जो कि ब्रिगेडियर जनरल डायर के ब्रिगेड जो थे जलंधर और इंडिया और ब्रिटिश ट्रूप्स, इनको भी काफ़ी जो है चोट वोट लगी थी। और यहाँ पे क्या था कि इस बात से गुस्सा कर जो डायर था उसने क्या कहा कि 13 अप्रैल की सुबह बोला, एक इसने प्रोक्लेमेशन किया, ठीक है ना, उद्घोषणा करी कि कोई भी 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पर, ठीक है, ये बात कही गई। अब रिपोर्ट में एक आ गया जो डायर था वो एंटर कर गया जलियांवाला बाग जो है में, 25 गोरखा सोल्जर थे और 25 बलूची थे राइफल के साथ में, 40 गोरखा जो है सिर्फ खुकरी के साथ में, तो 2 आर्मर्ड कार थी, ठीक। 10 से 12 हज़ार जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की उसमें अरेस्ट के अगेंस्ट में, ठीक। जब यहाँ पर आया तो कार वार तो अंदर घुस नहीं पाई, तो इसने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये ओपनिंग थी, ठीक है, यहाँ से और ये ऐसे था, तो इसने यहाँ पे 25 लोग खड़े किए, यहाँ 25 लोग खड़े किए और कहा फायर करो सबके ऊपर जो है, और कोई भी इसने जो है कोई भी वार्निंग नहीं दी, क्योंकि पहले से गुस्सा था कि यार मेरे मना करने पे भी ये लोग कैसे इकट्ठा हो गए, कहा मारो सबको, ठीक। तो 1650 राउंड फायर हुए थे और जो है इसमें करीबन, पहले तो बोला गया 200 लोग, लेकिन बाद में देखा 380 लोग की मृत्यु हो गई थी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, एक कोई जो है सिख समुदाय के एक थे, उन्होंने जाके बदला भी इसका लिया था, तो उनका क्या नाम था जरूर बताइएगा, और जो है उन्होंने गलती से डायर की जगह दूसरे व्यक्ति को मार दिया था, उसका नाम भी जरूर बताना, ठीक। तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टारगेट है, जो अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि US ने अभी आंकलन किया कि भैया ये कहाँ से उत्पत्ति हुई थी COVID-19 की, इसके बारे में इन्होंने बताया निष्कर्ष क्या निकला। US ऑफिस जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उन्होंने एक समरी निकाली है जो कि पॉसिबल उत्पत्ति कहाँ से हुई COVID-19 की, इसके बारे में बताता है। तो देखिए, यहाँ पर असेसमेंट कराया जा रहा है जो बिडेन के द्वारा कि भैया करो और कि निकालो कि ओरिजिन कहाँ से हुई, ताकि बाद में हम ये भी कर सकें कि हम पहले से तैयार रहें, आगे कभी ऐसी चीज़ें इस लेवल की ना हो, ठीक है। तो उसके लिए सतर्क हो जाएं, प्रिवेंशन कर लें। और बिडेन ने जो है कम्युनिटी को जो बनाई गई थी असेसमेंट जो कर रही थी, 90 दिन दिए थे, और US इंटेलिजेंस NC ने यहाँ पे ये बताया है कि ओरिजिन जो हुआ था वायरस का, ठीक, वो डिवाइडेड है। मतलब वो कोई लोग कहते हैं हाँ चाइना से हुआ था, कोई लोग कहते हैं कि जो है कहीं और से हुआ था, तो मतलब एक मत होके एक रिपोर्ट नहीं आई है, एक निष्कर्ष नहीं आया है, ठीक। और इसमें इन्होंने कहा कि असेसमेंट जो था उसमें ये कहा गया कि कोई वायरस जो ये बना ये कोई बायोलॉजिकल वेपन को बनाने के जो है उद्देश्य से नहीं बनाया गया, पहली बात, ठीक। इसने ये भी कहा कि मोस्ट एजेंसी हैव असेस्ड बट विद लो कॉन्फिडेंस, लेकिन उन्होंने ये कहा बायोलॉजिकल वेपन की तरीके से तो ये वायरस नहीं डेवलप किया गया, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड, तो मतलब उसका जो DNA था, RNA था, जो भी था वो DNA वाला, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर किए गए, ठीक, ये कन्फर्म है। जो कि पहले क्या नाम था, SARS, अब पहले तो SARS था ना, फिर उसके बाद SARS-CoV-2 जो है, ये इसमें कुछ चेंजेस करके अनुवांशिक रूप से कुछ चेंजेस जो है बदलाव किए गए थे, ठीक है। तो वैसे बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं बना, लेकिन चेंजेस हुए हैं। और ये भी इन्होंने कहा कि प्रॉबली इमर्ज्ड एंड इन्फेक्टेड ह्यूमंस थ्रू एन इनिशियल स्मॉल स्केल एक्सपोजर, ठीक, पहले जो है ये इमर्ज हुआ और ह्यूमंस में ये हो गया, मतलब इन्फेक्ट हो गए, संक्रमित हो गए, लेकिन स्मॉल स्केल पे हुआ था नवंबर 2019 में, जब पहली बार देखा गया वुहान चाइना 2019 के दिसंबर में। असेसमेंट ये भी कहता है कि इनको चाइनीज़ ऑफिशियल के पास में कोई भी ऐसी पहले से नहीं थी जानकारी कि ये वायरस जो इस तरीके से आउटब्रेक हो जाएगा, डिजीज़ बन जाएगा ये आपका 2019 में, ये भी बताया गया। वन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी हैज सेड
मॉडरेट कॉन्फिडेंस के साथ में ये कहा है कि जो पहला ह्यूमन इन्फेक्शन हुआ सार्स कोविड टू का, वो जहाँ तक है लेबोरेटरी में, जैसे बोला जाता ना कि लेबोरेटरी में जो है अनजानी तरीके से निकल गया, तो उसके एसोसिएटेड इंसिडेंट से जो है यहाँ पर उसके वजह से ये वायरस फैल गया, तो कुछ एजेंसी ने बोला है, एक एजेंसी ने कि, लेकिन कॉन्फिडेंस उसका मॉडरेट था, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा था ना बहुत ज़्यादा कम था, कि लेबोरेटरी की वजह से लीक हुआ ये वाला वायरस और उसकी वजह से फैल गया, ठीक। और इसमें एक्सपेरिमेंटेशन, एनिमल हैंडलिंग और सैम्पलिंग जो होती है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यहाँ से हुआ था ये, ठीक। हालांकि चाइना ने हमेशा ये हिंडर किया है, ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन वो चाहते नहीं हमारे यहाँ आए और ये पता करें कि कैसे कैसे वायरस हमारे यहाँ, मतलब कैसे उठा और चाइना से उठा गया, कुछ भी निकाले, तो वो बीच में रोकता रहता है। चाइना कोऑपरेशन जो है वो ठीक से नहीं हुआ है, चाइना बीजिंग जो है हिंडर करता रहता है ग्लोबल वैश्विक जो एक जाँच हो रही है उसको, और वो ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट से चालू हुआ था, वो तो उल्टा ही बोल देता है। कुछ असेसमेंट आंकलन ये भी कहते हैं भैया कि जैसे WHO वाला की एक टीम, तो उसको तो चाइना ने अलाउ कर दिया था, ठीक। कई लोग कहते हैं भैया कि WHO चाइना के हिसाब से काम कर रहा है, खैर जो भी है, तो उसने तो कहा था कि ये बिल्कुल इनकन्क्लूसिव है, और उन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी वो नहीं है कि ये चाइना से नहीं हुआ था, ये चाइना से ये उठा नहीं है वायरस। तो इस वाली रिपोर्ट को WHO की जो है, चाइना ने तो बहुत हा किया कि भैया हाँ सही कह रहा है, बाकी लोग को इतना विश्वास नहीं था, और चाइना तो बल्कि ये कह देता है कि जो है हमारे यहाँ से, हमारी लेबोरेटरी से ओरिजिनेट हुआ ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता WHO वाली जो रिपोर्ट में आया है, बल्कि यहाँ पे लैब लीक थ्योरी को ट्रंप भी मानता था, जो बिडेन भी मानते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है इसमें देखते हुए कि भैया ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये सिमिलर सिचुएशन जो है बार बार उठती रहती है कि भैया आगे इस तरीके का इंसिडेंट ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पता करें कि कैसे कहाँ से ये चालू हुआ था। वायरस की उत्पत्ति पर चीन का रुख क्या है, चीन तो ये कहती है कि भैया ये तो वायरस हमारे यहाँ चाइना में लाया गया और इसलिए पहली बार यहाँ पे वो हुआ, और फ्रोजन फूड पैकेज में लाया गया था। रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैरीड आउट होनी चाहिए, कई लोग वेपिंग रिलेटेड लंग डिजीज़ के जो पेशेंट थे 2019 में उनके अंतर्गत ये हुई और फिर वहाँ से फैल गई जो है पहले, मतलब इसकी जाँच ढंग से अगर हो गई होती तो कोविड की तरह ना फैलता ये COVID-19। और आगे यह है कि एविडेंस इन्फेक्शन का ये भी है, 5 स्टेट में देखा गया, फिर 12 कंट्री में देखा गया COVID-19 के जो है पेशेंट जीरो, मतलब जो लोग आए मान लीजिए एक जगह से दूसरे के लाए गए, यहाँ ये पेशेंट जीरो था, इसने सबको फैला दिया, ठीक, 1, 2, 3, 4 जितने भी हो गए। तो ये चाइना तो कहता है कि भैया US से आया था, 12 कंट्रीज और भी इसके साथ में है। ग्लोबल टाइम जो कि चाइना का ही एक, मतलब एक मीडिया है ये, कंट्रोल्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, वो ये कहती है कि US इंटेलिजेंस की फेलियर है कि वो जो है ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये काफ़ी सरप्राइजिंग भी है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर उनको हमारा नाम, अगर कोई भी एक छोटा सा भी सुराग मिल जाता तो हमारे ऊपर पूरा मर देते, लेकिन तब भी नहीं मर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ हुआ ही नहीं, ठीक। लैब लीक थ्योरी जो है वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है, और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया चाइना, ये जो ग्लोबल पोस्ट वाले हैं, टाइम्स वाले, इन्होंने कह दिया कि ये एक स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में एक इंडियन है, उसने इंटरनेट और ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए एक स्टोरी बना के बता दी कि लैब लीक वाली कोई चीज़ थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है GS पेपर 3 से है, CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉरपोरेट्स हैं, प्राइवेट संस्थाएँ हैं, निजी संस्थाएँ हैं, उनका समाज, क्योंकि समाज के अंतर्गत ही काम करते हैं, तो समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कंपनीज एक्ट जो हमारा आया 2013 वाला, उसमें जो है ये कह दिया गया कि भैया ये मैंडेटरी है उन कंपनीज़ के लिए जिनका जो है नेटवर्थ कम से कम 500 करोड़ है, टर्नओवर कारोबार जो है कम से कम 1000 करोड़ रुपए का है, और जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ का है पिछले 3 सालों में, ठीक। तो ऐसी कंपनियों को जो भी उनका प्रॉफिट हुआ है 3 सालों का एवरेज निकाल लो, मान लो 100 रुपये हुआ, तो उसका 2% जो है ऐसी कंपनियों को जो है CSR के लिए देना, जो है कंट्रीब्यूट करना अनिवार्य है, ये चीज़ बात हुई, ठीक। पहले तो इसमें आ गया CSR क्या है, अब ये सारी चीज़ें देख रहे कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक। इसने जो CSR जो कंपनियां इस तरह की कर रही थी एलिजिबल कंपनियां, उनके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण निकाला है कि भैया अगर आपको, उन्होंने कह दिया 2021 जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, ठीक, इसके पहले अगर आपने कोई भी CSR में मान लीजिए 2% के हिसाब से आपको 100 रुपये करने थे, आपने 150 रुपये कर दिए,
तो 2021 के पहले आपने जो ये एक्स्ट्रा ₹50 कर दिए, इसको हम आगे के वित्तीय वर्षों में नहीं जोड़ेंगे एज अ CSR जो है एक्टिविटी। ये बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने स्पष्टीकरण में बता दी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो CSR है वो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स में जो है उसको उसमें फंडिंग की तरह कैसे आप जो है CSR दे दो, ये भी आप नहीं कर सकते हैं, CSR में काउंट नहीं किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें स्पष्टीकरण आई है। ठीक, तो दो चीज़ें हो गई, CSR आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया 2021 से ज़्यादा, आपने जितना भी आपको बताया गया था 2% के हिसाब से, तो वो जो है आगे के जो है वर्षों में CSR की तरह नहीं गिना जाएगा। दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट स्कीम में आप एज ए डोनेशन कॉर्पोरेट डोनेशन जो है उसको भी CSR की तरह नहीं जोड़ा जाएगा। क्लेरिफिकेशन देखिए यहाँ पे यही है कि जो भी आप अलग से जो CSR ज़्यादा कर दे रहे हो उसको हम नहीं जोड़ेंगे आने वाले सालों में। ठीक, 3 साल जो है सब्सिक्वेंट फिस्कल में नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो है ये भी बात है कि जो PM केयर्स वाला फंड आया था ना अभी है मतलब, तो उसमें जो है जो कंट्रीब्यूट किया गया था कॉर्पोरेट कंपनियों के द्वारा उसमें जो है उसको CSR के तरीके देखा आ रहा है और एक्सेस भी आप कर दो तो उसको भी जोड़ा जाएगा। तो PM केयर्स फंड में तो एक तरीके की छूट है इसमें। और अन्य प्रमुख स्पष्टीकरण जो है वहाँ पर यह है कि अगर आपने कंपनियों ने मान लीजिए ट्रांसफ़र कर दिया फंड ठीक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को, तो उसको पूरा देखना पड़ेगा कि भैया वो CSR एक्सपेंडिचर जहाँ पे दिया गया वहीं पे खर्चा हो। मान लीजिए कोई ऐसी कार्यान्वित कराने वाली जो एजेंसी है उसको आपने दिया ₹100 दिए कि भैया फला वाला काम के लिए दे देना, CSR एक्टिविटी हमारे अकाउंट होगा, और उसने वहाँ से ना उठा के XYZ काम में लगा दिया, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं क्लेरिफिकेशन है कि भैया CSR जो आप सिंपली जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दो NGO को, इससे काम नहीं चलेगा, आपको देखना ही पड़ेगा कि भैया उन CSR व्यय के लिए ही वो पैसा लग रहा है। ठीक, सर्कुलर ये भी कहता है कि क्लेरिफाई ये भी करता है कि जो फंडिंग है गवर्नमेंट स्कीम की वो आप नहीं उसको आप CSR की तरह नहीं जोड़ सकते। अब इसमें दिक्कत ये होगी जो राज्य की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कई बार जो है इस तरीके से CSR के जरिए जो है फंडिंग हो जाती थी डोनेशन के जरिए, अब उनको जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, और क्योंकि CSR में नहीं जोड़ा जाएगा तो अलग से फिर क्यों करें ज़्यादातर जो है कंपनियाँ हैं, और वो राज्य सरकार को जो है इसमें कुछ पैसा दे के आप समझ ही रहे हो कुछ लॉबिंग भी करते थे। और एक्सपर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा है कुछ कंपनियाँ तो पहले जो CSR जो अनस्पेंड CSR होता था उसको रख देते थे, मान लीजिए उनको जो है किसी को उन्होंने पैसे दे दिए ₹100 देने थे उन्होंने दे दिए, अब वहाँ पे जो है जो पैसा रखा हुआ था उसका उन्होंने ₹60 खर्च कर लिया, ₹40 बचा हुआ है, अब जो ₹40 बचा हुआ है वो सेपरेट अकाउंट में लगा दिखा देते थे कि ये CSR का अकाउंट है। तो ऐसा है, मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि CSR का पैसा दे देना या फिर उसको अलग रख देना गुल्लक में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काम ये है कि वो ज़मीन पे आए, लोगों की मदद करे, सोसाइटी की मदद करे, तो वो होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लेरिफाई करी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कि इस जो आपने अलग से एक अकाउंट में पैसा रख दिया ठीक और दिखा भी दिया कि अपने बुक्स वुक्स में, तो वो उस पर अगर मान लीजिए आपको कोई ब्याज मिलता है इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी CSR पे की ही एक्टिविटियों में लगा सकते हो आप। ठीक, तो CSR का पैसा जो है वो CSR में लगना चाहिए, मेन उद्देश्य वो है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत में, ये GS पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट मिल गई है। आप सिंपल चीज़ है, पहले तो फैक्ट्स देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY जो है उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब के लिए जो मिनिस्ट्री है ये इसने लॉन्च कर दिया कंट्री का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट। ठीक, बात समझ में आ गई। और इसके जरिए क्या होगा, ये QSIM बोला जा रहा है इसे, क्वांटम सिमुलेटर, ये पहला है हमारे देश में टूल किट है और स्वदेशी तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे विकास किया गया है इसका, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों को समझाने में अंडरस्टैंड कराने में कि प्रोग्रामिंग कैसे हो सकती है, प्रैक्टिकल क्या पहलू हैं क्वांटम कंप्यूटर से। ठीक, और ये कंट्री का पहला कोलैबोरेटिव है फील्ड है जिसमें कि IISc बेंगलोर IIT रुड़की CDEC ने मिलकर काम किया है क्वांटम कंप्यूटर रिसर्च फ्रंटियर में इंडिया में। सिग्निफिकेंस भाई साहब यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव कम पैसे में क्वांटम कंप्यूटर सीख जाओगे। अभी कौन से कंप्यूटिंग चलते हैं, डिजिटल कंप्यूटिंग। ठीक, डिजिटल कंप्यूटिंग में क्या होता है, 1 और 0। ठीक, 1 और 0, या तो 1 होगा या 0 होगा, इसके भी और कुछ नहीं होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि यहाँ पे 10 होते हैं वेरिएबल, इस 1 और 0 के बीच में कुल मिला के 10 होते हैं, 1 और 0 को मिलाकर भी।
तो ये जो है ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, कम पैसे में और ज़्यादा कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं इसमें, एल्गोरिथम भी अच्छे अच्छे लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर बढ़िया बना सकते हो, ज़्यादा तेज, ज़्यादा दक्ष, ज़्यादा जो है कम पैसे में सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और साथ ही साथ हार्डवेयर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए। रिसर्च और स्टूडेंट के लिए जो है डिबगिंग करना, कोड इसका लिखना, सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाएगा, एल्गोरिथम लिखना आसान हो जाएगा, ठीक। और इसमें जो भी नेसेसरी जरूरी अरेंजमेंट है वो कर सकते हो, हार्डवेयर भी अच्छे से बना सकते हो, ठीक। वही सारी चीज़ें हैं, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर और ये सारी चीज़ें क्वांटम कंप्यूटिंग में आसानी हो जाएगी। ये सिमुलेटेड टूल किट्स है। क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ कंप्यूटेशनल पैराडाइम है, ठीक, जिसकी स्पीड, जिसका जो एफिशिएंसी, ये सब कुछ डिजिटल कंप्यूटर से ज़्यादा है, ठीक। क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करता है और ये यूज़ आएगा क्रिप्टोग्राफी हो गया, ठीक, जो इनक्रिप्शन होता है साइबर क्राइम से निपटने के लिए, और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हो गया, मशीन लर्निंग, क्वांटम लर्निंग प्रोसेसेस, कई बढ़ ज़्यादातर जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करता है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जीएस पेपर 3 से और जीएस पेपर 1 का मिक्सर टाइप का एक ये टॉपिक है कि इसमें क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट रिस्क की बात तो हो रही है, लेकिन चिल्ड्रन के ऊपर क्या उससे संबंधित है, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी बात हो रही है। तो ये एक सूचकांक है जो कि यूनिसेफ ने लॉन्च किया, ठीक। नई रिपोर्ट है यूनिसेफ की, चिल्ड्रन इन इंडिया आर एट एक्सट्रीम रिस्क, हाई रिस्क ऑफ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, ये चीज़ बताई गई है। और इस यूनिसेफ की जो जो आप याली है रिपोर्ट है, इन्होंने सहयोग किसका लिया है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर के इसका सहयोग लिया है। रिपोर्ट का नाम है क्लाइमेट क्राइसिस इज ए क्लाइमेट चाइल्ड राइट क्राइसिस, ठीक। क्लाइमेट क्राइसिस जो है चाइल्ड राइट क्राइसिस है और ये इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक। चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये बताएगा, मतलब क्लाइमेट का किस तरीके से क्या रिस्क है चिल्ड्रन के ऊपर पड़ रहा है उसके बारे में बात करेगी। पहला कंप्रिहेंसिव इस तरीके का जो है विश्लेषण है जिसमें क्लाइमेट का रिस्क चिल्ड्रन के परस्पेक्टिव देखा जा रहा है, और काफ़ी अच्छा है, इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। और ये रैंक करता है कंट्रीज़ को कि किस तरीके के चिल्ड्रन के जो भी एक्सपोज़र है, कितना वो जो है क्लाइमेट चेंज के या फिर रिस्क की वजह से जो है चिल्ड्रन खतरे में आ सकता है, तो क्या क्लाइमेट है, क्या एनवायरमेंटल शॉक है, साइक्लोन, हीट वेव, क्या उनको खतरा हो सकता है इन सब साइक्लोन या फिर शॉक से, कैसे जो है उनका जो पहुँच है एसेंशियल सर्विसेज से आवश्यक सर्विसेज पे, जैसे कि आपकी हेल्थ, एजुकेशन, साफ पानी, सैनिटेशन, इन सब से वो लोग क्या महरूम रह जाएंगे या फिर उनको मिलता रहेगा, तो इसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज का क्या रिस्क पड़ेगा चिल्ड्रन पे वो देखा जाता है। उपरोक्त रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष अगर देखा जाए तो इंडिया जो है 4 साउथ एशियन कंट्रीज़ में है जहाँ पे चिल्ड्रन काफ़ी रिस्क पे हैं, ठीक है। और भारत में अगर देखा जाए तो जो है 600 मिलियन इंडियन जो है अभी एक्यूट वाटर शॉर्टेज, बहुत ज़्यादा जो है वाटर शॉर्टेज होगी उसको झेलने वाले हैं आने वाले समय में, और साथ ही साथ फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है, यहाँ होती रही है, हो भी रही है और आगे भी होगी अगर जो है 2 सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया जो है 4 साउथ एशियन कंट्रीज हैं जिस जहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क में हैं। पाकिस्तान की रैंक है 14, बांग्लादेश की 15, अफगानिस्तान की 25वीं और इंडिया की 26वीं है। तो बोलो 26 कम रैंक है, 26वीं रैंक है तो जो है आपका अच्छा है, और यहाँ पे पाकिस्तान ऊँची रैंक है 14, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक। नेपाल जो है 51वां है, श्रीलंका 61वां और भूटान जो है 111th रैंक पे है। 1 बिलियन चिल्ड्रन जो है 33 कंट्रीज़ में ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे हैं। 600 मिलियन पहले आपको बताया कि एक्यूट वाटर शॉर्टेज होने वाली है आने वाले सालों में, फ्लैश फ्लडिंग भी हो रही है इंडिया में अगर 2 सेल्सियस ऊपर बढ़ता है तो। उसके साथ ही साथ वर्ल्ड की जो 30 वर्ल्ड की ऐसे सिटीज़ हैं जो कि मोस्ट पोल्यूटेड एयर है जहाँ पर, उसमें से 21 तो भारत में है 2020 में अगर देखा जाए तो। जो युवा हैं, ठीक, कहाँ से, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, चैड, नाइजीरिया, गिनिया बिसाओ, इन सब के जो बच्चे हैं क्लाइमेट चेंज का इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। चिल्ड्रन को जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन जो एक्सपोजर का देखने को मिल रहा है, जैसे कि इन्वायरमेंटल शॉक्स हैं, जैसे कि आपका जो है ये हो गया साइक्लोन हो गया, हीट वेव हो गया, और एसेंशियल सर्विसेज इसलिए उनको कई बार क्या है नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का रिस्क बढ़ जाएगा। वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब जो है आवश्यक
जो है सेवाओं में आता है। सिफारिशें क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, देखिए कंट्री जो है वो अपने एमिशंस को कम से कम 45% तक कम कर लें 2010 के लेवल पे 2030 तक, ठीक, तभी वो लोग जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस कम कर पाएंगे, से कम पे हमारा टेम्परेचर को रोक पाएंगे पूरी दुनिया का 2100 जब तक हम पहुंचेंगे तब, ठीक। यंग पीपल जो हैं आपके किसी भी नेशन में हो, कहीं किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन में उनको इन्वॉल्व करो मेरे भाई। और जैसे COP अभी 26वां होने वाला है ग्लासगो UK 2021 में नवंबर, तो वहाँ पे इन लोग को जोड़ो। और इन्वेस्टमेंट निवेश बढ़ाओ क्लाइमेट एडाप्टेशन रेजिलियंस सर्विसेज पे जो चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है ना, जो भी इनके निपटाने और जो है जलवायु जो भी ये चीज़ें हैं कि क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट अडाप्टेशन यानी अनुकूल बनाना अपने आप को, रेजिलियंस उससे लड़ना भिड़ना जीवित रहना, तो इस तरीके की सर्विसेज चिल्ड्रंस के लिए तो जोड़ देने चाहिए, इस तरीके के उसमें निवेश को बढ़ाना चाहिए, ठीक। रिकवरी अब अगर हम करें कोविड 2019 वाला जो COVID-19 है, तो हम उसको ऐसा करें कि हमारा रिकवरी ग्रीन हो, लो कार्बन हो, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के जो है चांसेस बचे नहीं, ठीक। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं कि अभी हम लोग रिकवरी कर रहे हैं, साथ ही साथ चिल्ड्रंस को क्लाइमेट एजुकेशन देना है, ग्रीन स्किल देना है, ताकि वो भी अपने आप को अनुकूल और प्रिपरेशन कर सकें कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और हम लोग आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, 30वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट इज़ द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन क्या है, और ये बच्चों से कैसे संबंधित है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता सकते हैं आप, विश्लेषण करिए, एनालाइज करिए, ठीक। और हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमन एग आई स्पीसी, इसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी चाहिए इसको हम लोग देखते हैं। ये खुरासान प्रोविंस जो है, आप लोग एक बार मैं चाहूँगा इसको मैपिंग जो करिएगा, उससे संबंधित कौन से कथन सही है बताना है। ISK, ठीक, इंडियन आपका सॉरी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है, ये एक तरीके का क्षेत्रीय एफिलिएट है इस्लामिक स्टेट ग्रुप का, बिल्कुल सही बात है, ठीक। जैसे ISIS था ना, तो उसी का ही एक मतलब समझ लो कि फ्रेंचाइजी है, ठीक है ना, कहाँ पर, खुरासान के प्रोविंस में। खुरासान कहाँ पे माना जाता है ये बताऊँगा, ठीक। इट इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम एंड वायलेंट, बहुत ज़्यादा कट्टरवादी हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वायलेंट है ये वाला जिहादिस्ट ग्रुप आपका, जो कि अभी UAE में बेस्ड है, नहीं बिल्कुल गलत है, अफगानिस्तान बेस्ड है। अब अगर दूसरा वाला स्टेटमेंट आपको पता लग गया, गलत पूछा गया और ट्रू वैसे पूछा जा रहा है, तो आप देखोगे ये ख़त्म हो जाएगा, सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। IS खुरासान जो है सेटअप किया गया था जनवरी 2015 में, और जब IS पावर ICIS जो था ये आपका पावर में था इराक सीरिया में, और जब खलीफा जो खलीफा है वो मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया US के द्वारा, तब फिर इनका भी जो है पतन हो गया था। तो यहाँ पे आंसर तो सी है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, वॉलेंट होते हैं, जिहादी ग्रुप है अफगानिस्तान में। खुरासान जो है आज का जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान का एरिया है उसको मिलाकर ये खुरासान बोला जाता है, और ग्रुप जो था ये आपका ISIS ISK वाला, ये इनिशियली तो पाकिस्तान में रहता था, अब सेपरेट सेक्शन जो है बन गया है 2019 मई में। और ISK जो है ओरिजिनली पाकिस्तान से ये इमर्ज हुआ था, वहाँ के आर्म्ड स्टूडेंट जो थे और बिलोंगिंग टू एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तहरीके तालिबान, पाकिस्तान से ये लोग निकले थे, अब वहाँ पे उनको लग रहा था खतरा, तो ये लोग फिर दौड़ के अफगानिस्तान पहुँच गए थे, अब तो खुला फिर से घूम रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें किलौआ ज्वालामुखी जो है इससे संबंधित ट्रू स्टेटमेंट आप लोग बताना। किलौआ एक एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है, वॉल्केनो के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं जो बताइएगा, और वॉल्केनो में जो लावा निकलता है वो उसके टाइप जो बताइएगा, ठीक है, कि कैसे होते हैं मैग्मा जैसे जो भी है। अच्छा, लावा और मैग्मा में क्या फ़र्क है ये भी जो बताइए, पूरा जो है आपका 11th क्लास के NCERT में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जो एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है अंडमान आइलैंड में, किलौआ क्या जी अंडमान में, बिल्कुल नहीं। और इसी साथ में पहला वाला अगर आपको पता है गलत है, गलत और सही पूछा गया है, तो बी आंसर हो जाएगा। और साइंटिस्ट ने ये वॉर्न किया कि माउंटेन जो है ये फिर से डिसलॉज कर सकता है, लावा मतलब इसमें निकल सकता है। किलौआ जो है ये 34 बार डिस्टर्ब्ड हो चुका है, इरप्ट हो चुका है, सॉरी 1952 से, ठीक। तो यहाँ पे आंसर तो बी ही है, पहला वाला गलत है क्योंकि ये हवाई आइलैंड का जो है पार्ट है, और 5 वॉल्केनो जो एक्टिव वॉल्केनो उनको मिलाकर ही बिग आइलैंड बनता है आपका हवाइया का, ठीक, हवाई का, जो कि किसकी कौन सी किसकी टेरिटरी है, ये आपकी USA की टेरिटरी है। और ये जो है आपका किस रेखा के नीचे आता है ये जो बताइएगा, ठीक, किस जो है आपका आकांक्षीय रेखा के नीचे या फिर साउथ में आता है बताइएगा। इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है, अगर आप लोग पसंद आया
तो लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करके जोड़िए। ठीक, आप लोग बता दूँ UPSC का हमारा जो है 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है या फिर टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग ज्वाइन करना चाहें या जानकारी लेना चाहते हैं तो 8564008530 9696060689 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेता हूँ अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।